बहुत शुक्रिया हाजरीन। अब आइए हाजरीन, थोड़ा सा इस मुशायरे का तसलसल मैं और आगे बढ़ाता हूँ, और मैं इस वक्त चाहता हूँ कि उस शायर से गुजारिश करूँ जो हमारे कबील का नहीं है हाजरीन, हमारी कौम का नहीं है, मगर जिसकी शायरी में हमारी कौम का दर्द आप हजरात को महसूस होगा, जिसने जहाँ पर गजल बहुत अच्छी अच्छी गजलें कही हैं, गजल के हवाले से अच्छे अच्छे कतात कहे हैं, वहीं पर हाजरीन नातिया अशार भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत कहकर आपकी समाज तक पहुंचे हैं। वो नाम है जनाबे शंकर कैमूरी साहब का। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं ये कहते हुए कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, और दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आइए जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें जनाबे शंकर कैमूरी माइक। सदरे हजरत, सबसे पहले तो कौमी तंजीम पूरे परिवार के लिए उनके अशरफ फरीद साहब रौनके स्टेज हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल कर दिए जोरदार तालियों के साथ। और हमारे अली अशरफ फातमी साहब हम लोग के गार्जियन हैं, और आप बात समझ लें कि अभी एक हादसा भी हुआ था, हादसा में बिल्कुल अल्लाह ने उनको सलामत रखा, हम लोग दुआ गो हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे और इसी तरह से हम लोग की रहनुमाई करते रहें। मैं चाहता हूं कि अली अशरफ फातमी साहब का भी एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें जोरदार तालियों के साथ। हमारे इजहार अहमद साहब, इजहार साहब साबिक MLA और एक मुखलिस इंसान, हम सभी का इस्तकबाल करते हैं। हम चाहते हैं कि देखिए जो बाहर से शोरा इकराम आए हैं आप उनको सुने, हम लोग तो बिहार के ही हैं, आपके घर के ही हैं, बीच बीच में हम लोग आते रहते हैं और हम लोग तो बाद में भी सुना देंगे, आप सुन लीजिए। मैं यहां से चार मिसरे हाजिर करता हूं कि बद से बदतर कभी हालात न होने देंगे, बद से बद से बदतर कभी हालात न होने देंगे। अभी नौजवान बहुत उछल रहे थे और सही भी बात है, गुले सबा हैं तो उछलना ही है, लेकिन लेकिन अभी अभी आप एक बात देखिए, मैं नौजवानों की नौजवानों के इस छह मिसरे जो पढ़ता हूं, ये छह मिसरे कर्बला के हवाले से पढ़ता हूं, अब देखते हैं कि आप कितना उछलते हैं। कर्बला के हवाले से छह मिसरे पढ़ता हूं कि नोके नेजा पे मेरे इमाम का सर बुलंद, और शंकर कैमूरी के छह मिसरे कि इश्के हुसैन हासिले ईमान बन गया, इश्के हुसैन हासिले ईमान बन गया, इश्के हुसैन हासिले ईमान बन गया, ऐ मोमिनो तुम्हारी ये पहचान बन गया, जन्नत से कर्बला का वो मैदान बन गया, मनफन तुम्हारा अकबर ज़ीशान बन गया, और नैज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैं अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। इश्के हुसैन हासिले रेहान गनी साहब, इश्के हुसैन हासिले ईमान बन गया, इश्के हुसैन हासिले ईमान बन गया, अरे मोमिनो तुम्हारी ये पहचान बन गया, जन्नत सा कर्बला का मैदान बन गया, मनफन तुम्हारा अकबर ज़ीशान बन गया, और नैज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। और अब यहां से मैं शुरू होता हूं। हमने कहा कि बस से बदतर कभी हालात ना होने देंगे, बस से बदतर ये हिंदू मुसलमान सभी ये कहिए कि अहद करते हैं, संकल्प लेते हैं कि बस से बदतर कभी चौथे मिसरा पे पूरा, मैं चाहता हूं कि पूरी बेदारी चाहता हूं कि इसके कि बस से बदतर कभी हालात ना होने देंगे, जहर आलूद ख्यालात ना होने देंगे, भाईचारे का मोहब्बत का सहारा लेकर हम किसी शहर को गुजरात न होने देंगे। अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें जी।
हमने कहा कि बस से बदतर। और हमारे मंसूर खुस्टर साहब हैं, कहाँ हैं? अच्छा, मंसूर खुस्टर साहब ने बड़ा खूबसूरत इंतजाम किया है, हम उनको बधाई देते हैं। एक मुखलिस इंसान है, एक बार मंसूर खुस्टर साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दिए, जोरदार तालियां। आपको आजम शाकरी साहब को सुनना है, आपको शाइस्ता सना जी को सुनना है, आपको शमीम कासमी साहब को सुनना है। मैंने कहा कि बस से बदतर कभी हालात ना होने देंगे, जहर आलूद ख्यालात ना होने देंगे, भाईचारे का मोहब्बत का सहारा लेकर हम किसी शहर को गुजरात न होने देंगे। हम देखिए, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, हम सबसे पहले आदमी हैं। आदमी को अशफुल मखलूकात कहा गया। सैफ साहब सुनिए कि आदमी को अशफुल मखलूकात कहा गया। हमारे उमर फारूक साहब हैं कि आदमी को अशफुल मखलूकात कहा गया। सुनिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। आदमी को साहिबे किरदार। अगर मुशायरा मैसेज नहीं दिया, अगर मुशायरा संदेश नहीं दिया, अगर मुशायरा एक रास्ता नहीं दिया, तो मुशायरे का कोई मतलब नहीं। यहां से संदेश देता हूं कि आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इसार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना। बहुत अच्छे, अरे वाह 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 वाह, आदमी को आदमी से प्यार है, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। आदमी में जज्बे इसार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे। पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सरीम साहब सुने के हैं, वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे, लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी हाफिज के दिल में जिस तरह कुरान सोया है, ये तुर्बत है शहीदे कौम की, ताजीम लाजिम है कि मेरे साथ मेरे दिल में हिंदुस्तान सोया। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। सर, हिंदुस्तान क्यों खूबसूरत है, हिंदुस्तान क्यों मोतबर है, एक बात बता दूं, नौजवानों की बेदारी देखना चाहता हूं। हिंदुस्तान क्यों खूबसूरत है, काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। तालियां लेकिन कमजोर है आपकी, तालियां कमजोर हैं। काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। उतना ही नहीं, काबे की छत से आबे रहमत जिस परनाले से होकर के उतरता है, उसका रुख हिंदुस्तान की तरफ है। यह हमारा है। और एक बात और मैं कह दूं, अलग से कुछ नहीं कह रहा हूं। तो हम समझते हैं कि एक व्यक्ति की तालियों का समर्थन मिलेगा। गुंबदे खजरा में आकाए दो जहां जहां आराम फरमा रहे हैं, उनका कदमे मुबारक हिंदुस्तान की तरफ है। वाह, इसलिए कहता हूं दोस्तों गोद में इंजील लिए बैठे हो, खुद को तुम मामले कुरान किए बैठे हो और गीता का हर श्लोक पिए बैठे हो, मजहब और धर्म का एक जाल सिए बैठे हो, धर्म की आड़ में इस देश को तुम बांट गए, कैसे भाइयों के भाई का लहू चाट गए, वो लहू जिसकी जरूरत थी तिरंगा के लिए, जोश खाता था जो लद्दाख और नेफा के लिए, उसको टाटा की फजाओं में उड़ाया तुमने और ये अलीगढ़ के बाजारों में बहाया तुमने, और अब भी आपस के तफरका